ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, माय नेम इज़ डॉक्टर मेमुना अनवर एंड अच्छा, आवाज़ हल्की आ रही है, चले मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। माय नेम इज़ डॉक्टर मेमुना अनवर, आई एम बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम हैविंग अराउंड 5 ईयर्स क्लिनिकल एंड एज वेल एज टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है जी, दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अब मुझे नहीं आइडिया कि आप में से कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मुझसे पहले कोई जो है वो कोर्स पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। मुझे वैसे नाम जो है वो फेमिलियर नहीं लग रहे आप लोगों के, ठीक है। एनी वेज बच्चे, थोड़ा सा जो है वो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है जी। आपको पता है कि हमने रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है वो पढ़ना है। कुछ थोड़ा सा आप जो है वो रूल्स देख लें क्लास के, ठीक है बेटा। मैं कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो डांटूँ, ठीक है। मैं ये सिर्फ कहती हूँ कि जो आपको एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी जाती है अच्छा है, आपके लिए ही वो एंड पे जो है वो बेनिफिट होता है कि आप उसको जो है वो फॉलो करें, ठीक है बच्चे। तो एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप लोग सब ट्राई करें कि क्लास में जो है वो आपने क्या करना है, टाइम पे आना है, ठीक है। मतलब अराउंड अगर 12 बजे क्लास है तो हम 12:05 पे क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने कोशिश करनी है टाइम पे आना है। सेकेंड थिंग बच्चा, आपने कोशिश करनी है कि क्लास में पार्टिसिपेशन जो है वो आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है बेटा? पार्टिसिपेशन ये है कि आपने ये नहीं है कि बस क्लास में आए हुए हैं और आपने जो है वो क्लास ले ली, ठीक है। आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, यानी कि आपने जो है वो मुझे एक्टिवली खुद से बताना है, वॉलंटियरली बताना है कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो मैं जिस बच्चे को रेज कर रही हूँ है उसको कह रही हूँ, ठीक है, अलॉट कर रही हूँ। उसके अलावा आप मुझे खुद हैंड रेज करके कहें कि मैम ये हम चीज़ आपको खुद बताते हैं, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। एक क्या करना है, टाइम पे आना है, ठीक है जी। दूसरा क्या करना है आपने बेटा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि लेक्चर हमेशा कोशिश करें पढ़ के ज़रूर आए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले पिछले वाला लेक्चर में रैंडमली बच्चों से जो है वो क्वेश्चन करूँगी, तो वो आपने जो है वो ज़रूर पढ़ के आना है, ठीक है बेटा। देखें, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आऊँ मैं आपको लेक्चर दे के चली जाऊँ और आपको जो है वो चीज़ें क्लियर ही ना हो, ठीक है। तो ये आपने ज़रा देख लेना है कि आपने लेक्चर ज़रूर पढ़ के आना है, ठीक है बच्चे। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपको, ठीक है जी, वाइवा में फ़ायदा होगा, सेशनल में फ़ायदा होगा, हर तरह से फ़ायदा होगा, वो ये है कि कोशिश करें कि जब आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास लेने आए हुए हैं, तो आप क्या करें, एक पेंसिल, एक पेन ले लें और एक जो है वो कोई पेज, कोई नोटबुक अपने पास जो है वो ज़रूर रखें, ठीक है। क्योंकि मेरी मैं जो है वो बच्चों को साथ साथ ज़रूर बताती हूँ कि देखें इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को इस तरह से पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ें फिर आपसे अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं तो जिन बच्चों ने नोट किया होता है उनको तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप वो अपनी एक नोटबुक बना लेंगे रेडियोलॉजी की, तो ये होगा कि जब आपका जैसे ही कोई सेक्शनल आएगा, जैसे ही कोई फाइनल एग्जाम आएगा, आप वो नोटबुक रखेंगे सामने और आपको पता चलेगा कि मैम ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हुए थे, ये जो है हमें ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है ना। बाकी भी सारा ज़रूर पढ़ना है और साथ साथ ये तो हमने इसके ऊपर भी फोकस करना है साथ साथ। तो इस वजह से बेटा ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं। टाइम पर आएँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर नोट करें और नेक्स्ट डे जो है वो लेक्चर पढ़ के आए, ठीक है बेटा। अब मुझे सिर्फ आप लोग में से ये बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे MLS या MIU के कोई रेडियोलॉजी के कोई स्टूडेंट्स हैं या सारे DPT के हैं? जो रेडियोलॉजी वाले हैं वो हैंड रेस करें। 47 पार्टिसिपेंट्स में से कोई बच्चा अगर रेडियोलॉजी का है, 3 स्टूडेंट्स मेरे पास थे रेडियोलॉजी के। मेरे पास अभी नाम आगे से किरम साबिन थी, उन्होंने तो सेक्शन चेंज कर लिया है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट रेडियोलॉजी का है बच्चे, तो आप जो है वो हैंड रेस करें। ओके, आई थिंक कोई स्टूडेंट हमारे पास रेडियोलॉजी का नहीं है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली हमारा सेक्शन DPT का ही है और देखिए आपका और रेडियोलॉजी वाले को थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो रेडियोलॉजी एक अलग तरीके के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने कल जाके क्या करना है, उन्होंने पेशेंट के एक्सरे करने हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, आप DPT में हैं, आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, तो आपने बेसिकली कल जाके क्या करना है, आपने जो है वो एक्सरे की जो है वो फाइंडिंग्स देखनी है, आपने एक्सरे रीडिंग करनी है, ठीक है बच्चे। तो ये जो है वो आप लोग सब जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, ठीक है बेटा जी। अब बेसिकली जो रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है जी। इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखिए बेटा, आप लोगों ने अब तक सभी बच्चों ने आई थिंक ये बात सुनी हुई होगी कि जी डॉक्टर ने कहा है एक्सरे करवा के लिए, ठीक है जी। डॉक्टर ने कहा है कि जी MRI करवा लें,
डॉक्टर ने कहा है जी सीटी स्कैन करवा लें। ठीक है, ये सारी जो आपने बेसिकली टर्म सुनी थी, एक्सरे की, सीटी स्कैन की, एमआरआई की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, हमारी रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग के अंदर बेसिकली आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास अब स्पेशलिटीज़ जो हैं रेडियोलॉजी में आ गई हुई हैं, फ्लोरोस्कोपी आ गई हुई है, न्यूक्लियर मेडिसिन आ गई हुई है, ठीक है, मेमोग्राफी आ गई हुई है, जो कुछ टर्म्स मेरा ख्याल है शायद आप उसके साथ फेमिलियर ना हो, लेकिन एक्सरे और सीटी स्कैन, एमआरआई, ये टर्म्स तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हमने क्या करना है बच्चे, हमने ये करना है कि हमने जितने भी ये सारी मोडेलिटीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्यों हमें जो है किस कंडीशन में, ठीक है, कौन सा हमें जो है वो बेसिकली डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है वो पेशेंट को हमने रेफ़र करना है। ठीक है, कौन सी पेशेंट कैसी कंडीशन है, क्या इंडिकेशंस हैं, और उन इंडिकेशंस के जो है वो उस रिजल्ट में आपने पेशेंट को क्या रेफ़र करना है। ठीक है, अगर एक्सरे रेफ़र करना है तो उसकी क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपने पेशेंट को सीटी के लिए कहना है तो क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, आपने अगर एमआरआई कहना है तो क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, और सेकंडली ये चीज़ के हमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आपके पास आया और आप उसको डे वन पर ही जो है वो एक्सरे रेफ़र कर दें। ठीक है, आपको पता है ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारे लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक डोज ही इनकी हमारी बॉडी जो है वो उसको टॉलरेट कर सकती है। तो इस वजह से ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये नहीं है कि पेशेंट आया और आपने फटाफट भाई आप एक्सरे करवा के लिए हैं। ठीक है जी, एक्सरे हो गया तो आपको समझ नहीं आया, आप फटाफट जी एमआरआई करवा के लिए हैं। ठीक है, ये भी हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब जो है वो मेल प्रैक्टिस हो रही होती है तो उसमें ही होता है कि हमें गाइडलाइंस नहीं होती। ठीक है, इवन जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फटाफट जो है वो डीपीटी के बाद जो है वो जॉब नहीं मिल रही तो अपना क्लिनिक खोल लिया। ठीक है, अभी नॉलेज नहीं होता बहुत ज़्यादा और वो क्या करते हैं कि जी वो इस तरह की फिर जो है वो बेसिकली इसको हमें ब्लंडर कहूँगे कि इस तरह से ब्लंडर्स कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है बेटा, तो पेशेंट की हेल्थ आपको पता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो इसलिए आपको इंडिकेशन का भी आइडिया होना चाहिए और सेकेंडली आपको ये ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि अगर पेशेंट इस कंडीशन के साथ आया है तो आइदर हमें उसे जो है वो कोई एक्सरे, एमआरआई या कोई रेडियोलॉजिकल जो इमेजिंग टेक्निक है उसको के लिए उसके लिए रेफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता चल जाता है, जब आप एक कोर्स पढ़ेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो है वो हमारी इसके अंदर कॉमन जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से जी। ओके जी, व्हाट इज़ रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी बेसिकली है क्या। ठीक है, आप देखें कोर्स का क्या नाम है, रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि रेडियोलॉजी क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है रेडियोलॉजी। क्या है रेडियोलॉजी, रिप्रेजेंट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद रेडियंट एनर्जी इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन डिजीजेस बाय यूजिंग इमेजिंग टेक्नोलॉजीज और मोडेलिटीज। ठीक है जी, अब क्या है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी एक मेडिसिन की ब्रांच है। आपको पता है मेडिसिन की डिफरेंट हमारे पास ब्रांचेज हैं, डर्माटोलॉजी भी मेडिसिन की ब्रांच है, एनेस्थीजिया भी मेडिसिन की ब्रांच है, इमरजेंसी मेडिसिन की ब्रांच है, नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। ठीक है, इसी तरह से ही मेडिसिन की ही एक ब्रांच हमारे पास क्या है, रेडियोलॉजी है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, हमने जो है वो रेडियंट एनर्जी यानी कि रेडिएशंस जो है उसको यूज़ करते हुए आपने जस्ट वेट अ मिनट, ये क्या हो गया। ठीक है, रेडियंट ओके जी, सॉरी बेटा, ये एक्चुअली मैं एसटीडी बैठी हुई हूँ और ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो डाउन हुआ था जिसकी वजह से ऐसे हुआ। ओके, सो बेसिकली रेडियोलॉजी क्या है, वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हमने क्या करना है, हमने डिजीजेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इमेजिंग टेक्नोलॉजीज या इमेजिंग मोडेलिटीज को जो है वो क्या करना है, इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, अब इमेजिंग टेक्नोलॉजीज या इमेजिंग मोडेलिटीज क्या है हमारे पास। ठीक है, एक्सरे है,
आपके पास, ठीक है जी, MRI है आपके पास, ठीक है, ये भी जो है वो आपके पास इमेजिंग जो है वो मोडेलिटी आ जाती है, CT स्कैन है, ये सारी क्या है हमारे पास इमेजिंग मोडेलिटीज़ हैं। इन मोडेलिटीज़ को हमने इस्तेमाल करना है, किसके लिए इस्तेमाल करना है, दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, एक आपने डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करना है और दूसरा आपने किसके लिए इस्तेमाल करना है, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चे, तो अब आपको क्लियर हो गया कि रेडियोलॉजी क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज़ बेसिकली यूजिंग द रेडियंट एनर्जी इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेज बाय यूजिंग द इमेजिंग टेक्नोलॉजीज और मोडेलिटीज। अब अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट से जब पूछा जा रहा होता है वाइवा में कि क्या है रेडियोलॉजी, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि जी मैम रेडियोलॉजी ब्रांच मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम जो है वो एक्सरे करते हैं। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट से मतलब लेट्स सपोज मैंने पूछा और उसने मुझे सिर्फ ये कह दिया, तो आप खुद देखें कि सामने आपका लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि आंसर उन्होंने प्रॉपर नहीं किया ना, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेशक बच्चे अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करें लेकिन ट्राई करें कि जो है वो एटलीस्ट उसमें जो उसकी जो बेसिकली उसको डेफिनेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज बेसिकली यूजिंग द रेडियंट एनर्जी और रेडिएशंस फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस बाय द सपोर्ट ऑफ या बाय द यूज बाय यूजिंग ऑफ द डिफरेंट इमेजिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, देन हम इसको जो है वो बेसिकली टू ब्रॉड एरियाज के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और एक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ठीक है बेटा, अब आप देखें कि नाम ही जो है वो आपको शो कर रहा है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी कि क्या करेगी वो रेडियोलॉजी जिसमें हम डायग्नोसिस बना रहे होंगे डिजीजेस का, वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है। ठीक है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, वो रेडियोलॉजी जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन के लिए जिसको यूज कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। ठीक है, तो बच्चे देखिए रटालाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि उन्होंने रट्टा लगाया होता है और जब क्वेश्चन करते हैं तो उनको आंसर नहीं आता, तो हमेशा आप कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी नाम से पता चल रहा है जी वो रेडियोलॉजी जिसमें डायग्नोसिस बनाएंगे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वो रेडियोलॉजी जिसमें हमने क्या करना है, इंटरवेंशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, जी बच्चे क्लियर हो रहा है, किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चे क्लियर है, नो इशू, ओके। अब इसमें हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो रेडिएशंस हैं वो जो है वो बेसिकली हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये आपको बेसिकली एक साइन नज़र आ रहा है और ये साइन आपने अक्सर कभी अगर सीटी स्कैन MRI के पास से आप कभी गुजरे हों, ठीक है, जहाँ सीटी स्कैन MRI हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि ये वाला आपको जो है वो साइन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये साइन क्या है, ये डेंजर का साइन है, डेंजर जोन है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो है वो इस एरिया में जो है वो अगर आप ज़्यादा देर तक स्टे करेंगे या विदाउट एनी रीज़न स्टे करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। ठीक है, इसीलिए ये साइन जो है वो बना दिया जाता है। अब बेसिकली हम देखते हैं जी रेडिएशंस क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया रेडियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम रेडिएशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि रेडिएशन क्या है। ठीक है, इमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सोर्स एंड ट्रांसफर्ड थ्रू स्पेस इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है जी, जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी भी सोर्स से, एक एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो स्पेस से ट्रांसफर जो है वो इमिट होती है, स्पेस से जो है वो पास करती है और फिर जो है वो क्या करती है, जिस फॉर्म में आ जाती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, ये तो आप लोगों ने मेरा ख्याल है बेसिक जो है वो हम लोगों ने रेडिएशन क्या होती है, कितनी टाइप की रेडिएशन होती हैं, या आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ के आए हुए होंगे। ठीक है जी, अब एनी टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग मैटर इज नोन एज आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, अब बेसिकली हम जो रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग में रेडिएशन देख रहे होते हैं, हमारे पास दो तरह की रेडिएशन होती है, एक होती है, कुछ होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, कुछ होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, अब आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, आप लोगों ने आयनाइजेशन पढ़ा हुआ होगा। ठीक है जी, आयनाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है कि जब कोई भी एनर्जी या रेडिएशन स्पेसिफिकली पास करती है किसी भी एटम से या किसी भी मैटर से, तो वो क्या करती है, उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वहाँ से, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, पॉजिटिव और कैटिव जो है वो नेगेटिव आयंस जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो रेडिएशंस जो कि जब किसी भी मैटर से पास करें, किसी भी एटम से पास करें और उसकी आयनाइजेशन कर दें, उसको हम कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है बच्चे, तो अब आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेडिएशन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल रेडिएशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आयनाइजिंग रेडिएशन इज अ स्पेशल इंट्रैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर दैट मे कॉज आयनाइजेशन IE एक्सरेज। ठीक है, अब एक्सरेज जो है वो बेसिकली हमारे पास भी क्या है, एक आयनाइजिंग रेडिएशन है। इसका क्या मतलब है कि जब भी एक्सरेज किसी की जो है वो बॉडी से पास करेंगी तो उसके बॉडी के जो सेल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगी। ओके,
ionizing radiation is any type of radiation that is capable of removing any loosely bounded orbital electron from the atom with which it interacts. ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ionizing radiation क्या होती है, जो कि basically किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में लूजली एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव कर देती है. ठीक है बेटा, इसमें आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, हम बहुत ज्यादा फोकस रेडिएशन और इन चीजों पे नहीं करेंगे. ये तो आपको सिर्फ मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, हमारा फोकस ज्यादा फाइंडिंग्स और इंडिकेशन पे होगा क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ फिजिकल थेरेपिस्ट. अच्छा जी, नेक्स्ट अब रेडियोलॉजी डील्स विद आयनाइजिंग रेडिएशन. आयनाइजिंग रेडिएशन इज एनी टाइप ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैरीज एनफ एनर्जी टू आयनाइज और रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that can ionize atoms, x-rays and gamma rays. So modalities using x-rays, x-ray machine, CT scan and gamma rays, nuclear medicine, bone scan are harmful to the body if taken more in amount. ठीक है जी बेटा, तो सबसे चीज क्लियर होगी रेडिएशन क्या है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ गई, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है. ठीक है जी, जो क्या कर रही है, आयनाइज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से जहां से वो पास कर रही है. अब हमारे पास उसमें एग्जांपल्स कौन सी आ गई हैं, एक्सरेज आ गए हैं और गामा रेज आ गई हैं, ये आपने याद रखना है. ठीक है, ये दो हमारे पास स्पेसिफिकली आयनाइजिंग रेडिएशन है. अब कुछ मोडेलिटीज जो है उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल हो रही होती है. ठीक है, जैसे कि एक्सरे मशीन, अगर आपने कभी देखी हो तो. ठीक है, एक्सरे मशीन में एक्सरेज जो यूज हो रही है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है. इसी तरह से सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में भी हम एक्सरेज को ही जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो ये भी आयनाइजिंग रेडिएशन है. ठीक है, अब कुछ इस तरह की हमारे पास इमेजिंग मोडेलिटीज हैं जहाँ पे क्या यूज हो रही है, दूसरी टाइप की आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो रही है जिनको हम कह रहे हैं गामा रेज. ठीक है, उसमें कौन कौन सा आ रहा है, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन स्कैन. अब ये क्यों बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्या जैसे मैंने आपको बताया है कि ये आयनाइज कर देंगे एटम्स को, तो ये क्या करते हैं कि जाके आपके जब बार बार अगर एक्सपोजर होता जाएगा ना, तो ये जाके आपके सेल के डीएनए को जाके इफेक्ट करती हैं. ठीक है, यानी कि सेल के जेनेटिक मटेरियल को जाके जो है ये इफेक्ट करेंगी. जब सेल का जेनेटिक मटेरियल ही खराब हो जाएगा, आपको पता है जब डीएनए ही सेल का जो है वो इफेक्ट होगा, तो सेल की जो रीजनरेशन है, डीजनरेशन है, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी. सेल का फंक्शन डेड, सेल डेड, सेल खत्म. ठीक है, इसीलिए ही हम कहते हैं कि जो है वो बार बार अगर आप जो है वो आपको एक्सपोजर होगा रेज में, तो क्या होगा, आपको कैंसर के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो ये अब अगेन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वाइवा के लिहाज से, कि हम पूछ सकती हूँ मैं आपसे कि हमारी बॉडी के लिए रेडिएशन जो है वो एक्सेसिव डोज में या उनका रिपीटेड एक्सपोजर जो है वो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी इसलिए हार्मफुल है कि एक तो ये कुछ रेज आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, और उसके अलावा ये होता है कि अगर हम जो अगर बार बार रिपीटेड जो है वो एक्सपोजर करेंगे, तो वो जाके हमारे सेल के डीएनए को या टिश्यू के डीएनए को जाके इफेक्ट करेंगी, और सेल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, और सेल क्या हो जाएगा फिर, उसका जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो सारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और सेल जो है वो कैंसरस टिश्यू में जो है वो डिवेलप हो जाएगा. ओके, मैटर दैट इंटरसेप्ट्स रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब पार्ट आर ऑल ऑफ इट इज सेड टू बी एक्सपोज्ड और रेडिएटेड. ठीक है बेटा, अब क्या बात है, एक्सपोज या इरेडिएशन का क्या मतलब है, या इरेडिएटेड का क्या मतलब है. ठीक है, ये मतलब है कि जो मैटर जिसके पास से रेज गुजरेंगी, रेडिएशन गुजरेंगी, वो क्या होगा, उसके अंदर रेज जो है वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी. ठीक है, तो वो क्या हो गया, जहाँ जिसमें एब्जॉर्ब होगी वो क्या हो गया, वो एक्सपोज हो गया या वो इरेडिएटेड हो गया. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं. स्पेंडिंग अ डे एट द बीच एक्सपोजेज यू टू अल्ट्रावायलेट लाइट कॉजिंग सनबर्न. सन क्या है, सोर्स है, और पर्सन क्या है, रेडिएटेड हो गया. ठीक है, यानी कि अगर आप सन में बैठे हुए सन बाथ ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है, आपको रेज आ रही है, सोर्स क्या है, सन से रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, और वो आपकी बॉडी ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया. जब एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका क्या मतलब है कि आप इरेडिएटेड हो गए हैं. ठीक है, या आप रेज के साथ क्या हो गए हैं, एक्सपोज्ड हो गए हैं. ठीक है, इसीलिए ही आपको जब भी एक्सरे, आप किसी का कभी अगर एक्सरे कराने जाए, तो वो कहते हैं ना कि आपको जो अटेंडेंट होते हैं, वो कहते हैं जी आप जरा बाहर चले जाएं, पेशेंट को सिर्फ अंदर रहने दें. ठीक है ना, और इवन आपने देखा होगा कि जो मशीन होती है एक्सरे की, सीटी स्कैन की, उसके पास जो रेडियोलॉजिस्ट होता है जो एक्सरे कर रहा होता है, वो भी नहीं होता, वो भी जो है वो एडजस्ट करके वो फिर जो अपना अंदर रूम होता है वो वहाँ चले जाते हैं इमेज लेने के लिए. ठीक है ना, इसीलिए ही, क्योंकि वो उनको इरेडिएशन या वो रेडिएशन के साथ जो है वो क्या हो जाए, एक्सपोज्ड ना हो जाए. ठीक है जी, ड्यूरिंग अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन द पेशेंट इज एक्सपोज टू एक्स रेज, द पेशेंट इज सेट टू बी इरेडिएटेड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं, तो क्या हुआ है, पेशेंट इरेडिएटेड हो गया. ठीक है, इसलिए ही आपने देखा है कि हम रिपीटेड, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि हमें बार जरूरी नहीं है कि पेशेंट को एक्सरे की नहीं जरूरत, और आप कहें जी हाँ जी आप एक्सरे करवा लें. ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर आप पेशेंट को नहीं जरूरत थी और आपने एक्सरे करा दिया उसको, तो आपने क्या कर दिया, पेशेंट को रेज के साथ एक्सपोज कर दिया है, इरेडिएटेड कर दिया है विदाउट एनी रीजन. ठीक है ना, जहाँ भी बेटा देखिए जरूरत है वहाँ तो हमने करना ही करना है. ठीक है ना, वहाँ तो हमने पेशेंट को रेफर करना है, और वो फिर स्पेसिफिक डोजेज होती हैं, और उसमें फिर हम देख लेते हैं, रिपीटेड नहीं करना, मतलब ये नहीं है कि आपने एक एक्सरे कराया और एक हफ्ते बाद दोबारा एक्सरे हो रहा है. ठीक है,
तो फिर उसमें हम देख लेते हैं कि फॉलोअप किस तरह से रखना है। लेकिन आप विदाउट एनी रीजन दे रहे हैं, पेशेंट को नहीं जरूरत है, रिपीटेडली जो है वो एक्सरे और सीटी स्कैन खुद ही से पेशेंट करवाए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी बॉडी के लिए वो जो है वो हार्मफुल हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि रेडियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। उसकी दो सब ब्रांचेज मैंने आपको बताई थी, डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल। फिर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि रेडिएशन जो है वो क्या होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन की मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है। और फिर मैंने आपको बताया है कि आपकी बॉडी के लिए आयनाइजिंग रेडिएशन या जो हमारे पास रेडिएशन हैं वो क्यों जो है वो हार्मफुल है, ठीक है। आप इस वजह से कोई भी क्वेश्चन आपसे करें तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा था डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। अब डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी यूजेस डिफरेंट रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज सच एज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन टू ऑब्टेन इमेजेस और फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल डिजीजेस एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक है जी बेटा, ये आपको नजर आ रहे हैं इमेजेस। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है। किसकी मदद से डायग्नोसिस बनाएंगे, डिफरेंट रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज। वो कौन कौन सी मोडालिटीज है हमारे पास, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, एमआरआई है, ठीक है। इसकी मदद से हमने डिफरेंट डिजीजेज ऑफ द बॉडीज की जो है वो इमेज लेंगे और फिर देखेंगे कि वो डिजीज जो है वो किस लेवल की है, कितनी प्रोग्रेस की हुई है या क्या उसका वहाँ पे स्टेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को बच्चे हम आगे फर्दर कुछ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। नंबर वन है हमारे पास न्यूरो रेडियोलॉजी। अब न्यूरो रेडियोलॉजी, अगेन वही बात है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, कोई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने अगर डायग्नोस करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूरो रेडियोलॉजी लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम, आपने देखा होगा अक्सर कहते हैं जी ब्रेन का मसला हो गया, डॉक्टर कहते हैं जी सीटी स्कैन करा लें, ठीक है, वो न्यूरो रेडियोलॉजी में आ जाएगा। इसी तरह से पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी, अगेन नेम शो कर रहा है, पीडियाट्रिक्स यानी कि जो इन्फेंट से रिलेटेड, न्यूनेटल से रिलेटेड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा ब्रेस्ट इमेजिंग। ब्रेस्ट इमेजिंग भी आपने सुना होगा जी, कैंसर हो गया, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते हैं इनको जो है ना एक्सरे करवा लें, या मेमोग्राफी शायद आपने सुना हो नाम, ठीक है, तो वो क्या है, ब्रेस्ट इमेजिंग आ गई है। अल्ट्रासाउंड भी होता है ब्रेस्ट का, ये इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग, अगेन जो है वो नाम शो कर रहा है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, अगर कोई पेशेंट को कोई क्रोनरी हार्ट डिजीज है उसको, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमने कोई डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी यूज करनी है उसको हम कहेंगे कार्डियोवास्कुलर रेडियोलॉजी। फिर चेस्ट रेडियोलॉजी, ठीक है, चेस्ट रेडियोलॉजी आपको पता है चेस्ट एग्जामिनेशन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। आजकल आपको पता है जी कोविड बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से आप सब घर बैठे हुए हैं, ठीक है, और डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को जी आप चेस्ट सीटी करवा के, चेस्ट एक्सरे करा के लाएं, ठीक है। तो वो चेस्ट एक्सरे का क्या मकसद होता है, चेस्ट की रेडियोलॉजी देखनी है, लंग्स की पोजीशन देखनी है, दिस एंड दैट, ठीक है। देन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी। अब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अगेन उसका नेम शो कर रहा है कि जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं पेशेंट को, ठीक है, कोई स्टमक में अल्सर हो गया, उसके लिए हम जो है वो कोई भी डायग्नोस्टिक जो रेडियोलॉजी का मोडलिटी यूज करेंगे वो हमारे पास गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी होगी। अब जेनिटो यूरिनरी, जेनिटो यूरिनरी अगर कोई मसला है पेशेंट को, कोई डिजीज है, जैसे कि उसको किडनी में स्टोन्स हो गए, ठीक है ना, तो उसको अगर हमने देखना है तो उसमें हम कौन सी रेडियोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मोडलिटी इस्तेमाल करेंगे, वो जेनिटो यूरिनरी रेडियोलॉजी आ गया। इसी तरह से मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी, वो रेडियोलॉजी जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके तो इसके साथ बड़ा ज्यादा जो है वो लिंक है, ठीक है, कि पेशेंट को कोई फ्रैक्चर हो गया है, उसको कोई स्प्रेन हो गया है, कोई स्ट्रेन हो गया है, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाएगा। देन इमरजेंसी रेडियोलॉजी। इमरजेंसी रेडियोलॉजी क्या है जी, पेशेंट आपके पास कोई इमरजेंसी में आया है, ठीक है, हेड ट्रॉमा के साथ आया है, कोई एक्यूट इंजरी के साथ आया है, कहीं गिर गया था, फॉल की इंजरी के साथ आया है, तो हमने देखना है कि उसको कोई अंदर क्या, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, कोई और जो है वो चीज़ जो है वो कोई सॉफ्ट टिश्यू रप्चर तो नहीं हो गया, तो हम उसको फटाफट क्या करते हैं, रेडियोलॉजिकल जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जो है वो रेफर कर देते हैं, और एमआरआई सीटी स्कैन जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको वहाँ पे जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रेडियोलॉजी। न्यूक्लियर रेडियोलॉजी में बेसिकली बच्चे हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर जो है वो मेडिसिन बेसिकली जो है स्पेसिफिक जो है वो रेडियोलॉजी की जो है सब ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव मेडिसिन जो है वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उसके थ्रू जो है वो फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर जो भी डिजीज है उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम आगे जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है और न्यूक्लियर रेडियोलॉजी जो है वो क्या होती है, ठीक है बच्चे। तो अब आपको पता चल गया कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या है और उसकी ये जो है वो सारी क्या है, सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और उसकी सब ब्रांचेज क्या है, और एटलीस्ट आपको इन ब्रांचेज को एक एक लाइन में डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया है, रटालाइजेशन नहीं लगाएंगे तो आपको बड़ा इजीली याद रह जाएगा, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्रांच कौन सी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी।
ठीक है जी, अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो बेसिकली जो है वो अगेन वही बात है जैसे मैंने आपको बताया कि नेम शो कर रहा है कि इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए हमने उसको यूज़ करना है. अब सब स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स यूटिलाइजिंग मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशनल टेक्निक्स नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स. ठीक है, अब आप देखें जी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है वो क्या लिखी हुई है, मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशन टेक्निक्स नॉन सर्जिकल प्रोसीजर. ठीक है, आप देखें जी पहले क्या होता था कि जो है वो कैबेज हो रहा होता था, ठीक है ना, बायपास हो रहा होता था और उसके लिए जो है वो सारा सारा दिन जो है वो पेशेंट जो है वो थिएटर में जो है वो बैठा हुआ होता था. ठीक है जी, और जो है ना वो 6-6 घंटे की बायपास सर्जरी हो रही होती थी. ठीक है, और जो है वो टाइम भी इतना ज़्यादा लगता था. ठीक है जी, अब क्या हो गया है, वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं किससे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के साथ. ठीक है, हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं. आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज का नाम सुना होगा. ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हमारे पास आ गई हैं और उन सर्जरीज के साथ जो है वो हम क्या करते हैं कि बड़े थोड़े से टाइम के अंदर फटाफट जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, पेशेंट का डायग्नोसिस भी हो जाता है. ठीक है, अब आप देखिए इससे अब हमें फ़ायदा क्या होगा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से, क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव है, यानी कि पेशेंट के अंदर हमें लार्ज इंसीजन नहीं लगाना पड़ेगा. छोटा सा कट लगाते हैं, कैमरा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो डायग्नोसिस करना है वो डायग्नोसिस बना लेते हैं, साथ ही पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर देते हैं. ठीक है, तो एक क्या फ़ायदा हो गया इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का हमारे पास, कि जो है वो मिनिमली इन्वेसिव है. ठीक है, इंसीजन साइज कम होगा, पेशेंट को हम कम जो है वो बेसिकली हिट कर रहे होंगे या इंजर कर रहे होंगे. ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, डेफिनेटली जब इन मिनिमली इन्वेसिव का मतलब है कि पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम होगा. ठीक है ना, जल्दी जल्दी से उसकी रिकवरी आ जाएगी. सर बहुत बड़ी सर्जरी नहीं हुई, मेजर सर्जरी नहीं हुई है, हमने मिनिमली सर्जरी की थी. ठीक है जी, दूसरा फायदा ये हो गया. और तीसरा फायदा क्या होगा कि पेशेंट की रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी. ठीक है बच्चे, तो ये आप अगेन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के हमारे पास कौन से जो है वो बेनिफिट्स हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि ये बेनिफिट है कि पेशेंट का इंसिजन साइज छोटा होता है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स हमारे पास आ गए हैं इसकी मदद से. ठीक है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है और तीसरी बात क्या है कि पेशेंट की रिकवरी जो है वो फास्ट हो गई है. ठीक है जी, ओके, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है. सबसे पहले एंजियोग्राफी आपने सुना होगा अक्सर. ठीक है, इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स डिजीज एंजियोग्राफी. ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल की डिजीज़ है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, कोई प्लाक बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि एंजियोग्राफी टेक्निक जो है उसको जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, या आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी बच्चे, इस पिक्चर में आप देखें कि ये सारी जो है वो आर्टरीज हैं और आर्टरीज के अंदर क्या हो रहा है, आपको जो है वो आर्टरीज बड़ी विजिबल नजर आ रही हैं. ठीक है ना, ऐसे आप नॉर्मली तो नहीं आई के साथ देख सकते ना, तो लेकिन आपको क्या हो रहा है एंजियोग्राफी की मदद से इस तरह से जो है वो नजर आ रहा है. ठीक है, इसमें बेसिकली हम करते क्या है, एक को डाई होता है या मेडिसिन होती है, उसको इंजेक्ट करते हैं आर्टरी के अंदर. ठीक है, तो उसके बाद उसको फिल्म के ऊपर देखते हैं और हमें आर्टरी इस तरह की नज़र आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ. ठीक है, कोई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं डिपॉजिट हुआ हुआ. ठीक है, जैसे कि लेट सपोज मैं कहती हूँ जो ब्लैक स्पॉट है ये क्या है, ये कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ हुआ है. ठीक है, तो हमें इससे जो है वो पता चल जाएगा कि क्या है, पेशेंट की आर्टरी में कोई क्लॉट डिपॉजिट हुआ हुआ है. ठीक है, अब बेटा इसको कहते हैं हम एंजियोग्राफी या फिर आर्टेरियोग्राफी, क्योंकि आर्टरीज को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राम. ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज एंजियोग्राम, तो आपने मुझे बताना है कि एंजियोग्राफी के बाद जो बेसिकली हमारे पास इमेज आता है इसको हम कहते हैं एंजियोग्राम. ठीक है बच्चे, ओके, नेक्स्ट आ जाता है बायोप्सी प्रोसीजर्स. ये आपको नजर आ रहा है एक गलत पिक्चर. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जी ये बायोप्सी हो रही है, ब्रेस्ट की बायोप्सी हो रही है. आपको पता है कि ब्रेस्ट में अगर कोई जो है वो लिम्फोमा है या कोई जो है वो अनइक्वल ग्रोथ टिश्यू की हुई हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर वहाँ से बायोप्सी के लिए जो है वो सैंपल कलेक्ट करता है और उसको फिर जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप उसकी एग्जामिनेशन होती है. ठीक है, ये हम बायोप्सी प्रोसीजर्स हैं, ये भी हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं. फिर एंजियोप्लास्टी, बैलून डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है जी बेटा, ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है. ठीक है जी, अब एंजियोप्लास्टी क्या होती है, वो प्रोसीजर जिससे हमने आर्टरी के ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है या रिस्टोर करना है. ठीक है, रिस्टोर का क्या मतलब है कि यानी कि जैसा पहला था दोबारा से वैसा ही हो जाए. ठीक है, अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये देखिए ये ब्लड फ्लो है रेड वाला एरो, ये प्लाक ये येलो कलर का क्या है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया. ठीक है, ब्लैक बन गया. अब क्या होगा, हम क्या करेंगे जी, हम ये एक नीडल, ये जो ब्लू कलर की नीडल है इसको पास कर देंगे. जब ये नीडल पास करेंगे तो ये जाके क्या करेगी, प्लैक को जो है वो अपनी जगह से हटा देगी. नीडल पास हो गई, नीडल पास हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पीछे से इन्फ्लेट कर देंगे. ठीक है, ये बैलून होता है बेसिकली नीडल के साथ अटैच हुआ हुआ, उसको पीछे से इन्फ्लेट करेंगे. वो बैलून अंदर जाके जब इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जाके प्लैक को जो है वो अपनी जगह से हटा देगा और जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए ही हम इसको बैलून एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं. ठीक है, तो अब मैं अगेन आपसे पूछूंगी बैलून एंजियोप्लास्टी क्या है, तो आपने मुझे सारा प्रोसीजर बताना है कि जिसमें हम ब्लड फ्लो को रीस्टोर कर रहे होते हैं. एक थिन ट्यूब होती है
जिसको जो है वो हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली प्लैक बना हुआ होता है, फिर उसको जाके जब वो चली जाती है आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर, तो हम वहाँ जाके उसको इन्फ्लेट करते हैं। जब वो इन्फ्लेट हो जाती है तो क्या होता है कि वो वहाँ पे जो है वो ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी बेटा क्या होता है कि ये हम जो है वो बैलून इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है जी, और कभी कभी क्या होता है हम जो है वो इस बैलून के साथ साथ एक स्टंट जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा जी स्टंट डाल रहे हैं, स्टंट डाल गए, दिल में स्टंट डाल रहे हैं, ठीक है, सुना होगा ना आपने, ठीक है। तो वो ये बेसिकली इस तरह का मैश स्टंट होता है जो कि हम बैलून के साथ साथ जो है वो हम बैलून निकाल लेते हैं, ठीक है, और स्टंट जो है वो अंदर जो है वो डाल देते हैं ताकि वो क्या हो, वो थ्रू आउट जो है वो फिर जो है वो आर्टरी उसका ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन रहे और दोबारा से प्लेग जो है वो अपनी जगह पे ना आ जाए और दोबारा से ब्लड फ्लो को जो है वो वहाँ पे ना रोक दे। ओके, देन लेजर ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन्स, ठीक है जी, आपको पता है वेरिकोज वेन्स क्या होती है, जिसमें जो वेन्स होती हैं उनके वेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम वेरिकोज वेन्स के लिए भी इसी तरह से कैथेटर जो है वो वेन में पास करते हैं और वो वेन से फिर जो है वो कैथेटर वहाँ जाता है, वो जो भी अगर हमने इंजेक्ट करनी होती है मेडिसिन वो इंजेक्ट कर देते हैं वहाँ पे, और फिर जो है वो जो ब्लड फ्लो होता है वेन का वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो नॉर्मल वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारे पास टेक्निक आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्लूड एब्सेस ड्रेनेज, ठीक है जी। एब्सेस क्या होता है, कहीं पे जो इन्फेक्शस फ्लूड इकट्ठा हो जाता है उसको हम कहते हैं फ्लूड एब्सेस, ठीक है। तो अब कहीं भी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि इंटेस्टाइन में कहीं पे जो है वो एब्सेस बना हुआ है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गया था वहाँ पे, पस कट्ठी हो गया, आपने अक्सर सुना होगा जी पस पड़ गई है कहते हैं ना इस तरह, ठीक है। तो वो जो पस पड़ जाती है, वो जो इन्फेक्शन वो एब्सेस इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए भी हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू एक जो है वो आप देखें ट्यूब इन्होंने इंसर्ट की है, ठीक है। अब ये ट्यूब के सामने एक हमारे पास कैमरा होता है, उस कैमरे पर हम देख रहे होते हैं कि जी कहाँ पे जो है वो पस पड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है कैमरे में जी यहाँ पे पस है। उसके बाद क्या करते हैं हम उसको ड्रेन करके सारे पस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कितनी आसानी से हमने सारे मेजर मेजर सर्जरीज को या मेजर मेजर प्रोसीजर्स को जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू बड़े आसानी से जो है वो कर लिया, ठीक है। इसी तरह से कार्डिक कैथेटराइजेशन, नाम ही शो कर रहा है कि कार्डिक और कैथेटराइजेशन, यानी कि हमने कैथेटर जो है उसको हार्ट तक लेके जाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कैथेटर को डिफरेंट रीजन से, ग्रोइन से, आर्म से, एक्जिला से, कहीं से भी जो है वो कैथेटर पास करते हैं और हार्ट तक लेके जाते हैं, और उस कैथेटर के थ्रू जो है वो फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं हार्ट की, कि हार्ट की किसी चैम्बर में मसला तो नहीं है, किसी आर्टरी में मसला तो नहीं है, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम हम उसको जो है वो अगर कोई स्टंट डालना है स्टंट भी डाल सकते हैं, अगर कोई जो है वो आपने ठीक है जी। तो बेसिकली बेटा अभी मैंने आपको बता दिया डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, बड़े आपको क्लियर हो जाना चाहिए उसकी सब ब्रांचेस क्या है। फिर मैंने आपको बताया है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, और उसमें जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारे पास स्पेसिफिकली अब जो स्पेसिफिकली टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये अब आपको जो है वो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। आप लोग ऐसा करें, अपने क्वेश्चन, मरियम नदीम ने हैंड रेज किया हुआ है, अपने क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, लेक्चर जैसे ही एंड होगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। अच्छा जी, व्हाट इज मेडिकल इमेजिंग, अ मेडिकल इमेजिंग क्या है, ठीक है जी, नाम ही हमें शो कर रहा है, इमेज, इमेज क्या है, आप पिक्चर लेते हैं, ठीक है ना, हम पिक्चर लेते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं आप लोग, वो क्या कर रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अब इमेजिंग और साथ क्या है, मेडिकल, यानी कि वो इमेज जिसमें मेडिकल हमें जो है वो मेडिसिन का या मेडिकल की इन्वॉल्वमेंट है उसको हम कह रहे हैं मेडिकल इमेजिंग, ठीक है जी। अब मेडिकल इमेजिंग इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड डिजीज मॉनिटरिंग, ठीक है जी। आपने क्या करना है, हमने इमेजिंग करनी है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, किस मकसद के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज़ की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखें जी आपको एक्सरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, हम एक्सरे करने के लिए कहते हैं पेशेंट को जी एक्सरे करवा के लाएं, तो वो क्या करते हैं, हमने डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, इमेज लेते हैं ना, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है वो हम, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, एंजियोप्लास्टी हम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज ले रहे हैं उसका, ठीक है, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। इसी तरह से डिजीज़ मॉनिटरिंग, डिजीज़ मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, एक पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसको कहा जी आपको फ्रैक्चर हुआ हुआ था, आपको लगा जी फ्रैक्चर है, आपने कहा एक्सरे कराएं, ठीक है, या आपको लगा चले फ्रैक्चर छोड़ें, आपको लगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है ना, ग्रेड वन का टीयर हुआ हुआ है, आपने उनसे MRI करवा लिया, MRI करा के उसमें नज़र आया जी ग्रेड वन का टीयर है, आपने कहा जी अब फिजियोथेरेपी कराएं और 4 हफ्ते बाद फिर हम आपको दोबारा देखेंगे क्या स्टेटस है, 6 हफ्ते बाद हम दोबारा देखेंगे, ठीक है, 6 हफ्ते बाद दोबारा MRI कराया तो पता चला कि जी अब टिश्यू काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, इसका क्या मतलब है, डिजीज़ की मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं किसके थ्रू, मेडिकल इमेजिंग के थ्रू, ओके। मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स एंड कंपासेस द फील्ड्स ऑफ रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इमेज गाइडेड इंटरवेंशन, ठीक है जी। अब मेडिकल इमेजिंग में जैसे मैंने आपको बताया है रेडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी में जो हमने पीछे सारी टेक्निक्स पढ़ी है वो सारी भी इसी में आ जाएंगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो मैंने आपको बताया कि जिसमें बेसिकली हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं वो भी इसी में आ जाएगा,
और इमेज गाइडेड इंटरवेंशन, यानी कि इमेज गाइडेड इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि इमेज नजर आ रहा होगा सामने और साथ आप क्या कर रहे होंगे, ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने कभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी देखी हो तो क्या होता है, सामने कैमरा होता है, ठीक है, एक टीवी एलसीडी लगी होती है और डॉक्टर साथ साथ जो है वो कैमरे के थ्रू जो है वो सर्जरी कर रहा होता है, ठीक है। तो वो इमेज गाइडेड इंटरवेंशन होती है बेसिकली। ओके जी, अब सोर्सेज क्या है जी हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन के, हमारे पास इसको हम दो सोर्सेज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशन यानी कि जो यूवी रेज हैं, मैन मेड रेडिएशन हैं, ठीक है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, हमने थोड़े उसको जो है वो इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम आप बहुत तेज पढ़ा रही हैं। तेज पढ़ा रही हूँ? यस मैम, यस मैम, स्लो पढ़ाएं, बहुत तेज पढ़ा रही हैं। चले बेटा, एक्चुअली पता है क्या बात है, बात ये है कि रमजान की वजह से ना मेरे हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। अगर आपके पास 12:30 तक टाइम है तो मुझे बता दें, मैं अपनी स्पीड थोड़ी आहिस्ता कर देती हूँ। मैम एक तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ऊपर से वो साथ साथ लिखना भी होता है, बहुत तेज आपकी स्पीड। चलिए बेटा, मैं स्लो कर देती हूँ स्पीड। एक्चुअली पता है क्या, आप इंट्रोडक्शन तो है लेकिन बात ये है कि ना हमारे पास टाइम जो है वो रमज़ान की वजह से बड़ा स्लॉट जो है वो श्रिंक हुए हैं, ठीक है। लेकिन चले एनीवेज, आप लोग क्वेश्चन कर ले, कहाँ तक नहीं समझ आया हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। समझ आ गए क्या, नहीं समझ आया? हाँ जी मरियम, बच्चे आप बताएं, आपने हैंडल्स किया था मैम? एक आपने ये जो कार्डिक कैथेटराइजेशन का बताया, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, और लेजर वेरिकोज वाला भी। ठीक है बेटा, देखिए पहले हम लेजर का कर लेते हैं। वेरिकोज वेन्स आपको पता है क्या होती हैं, कि जिसमें आपके पास वेन्स के वेल्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, और जो वेन्स है वो क्या हो जाती हैं, स्वोलन हो जाती हैं, लिम्फ्ड हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है कि लेजर के थ्रू हम लाइट, लेजर लाइट बेसिकली जो है वो कैथेटर भेजते हैं, ठीक है। कैथेटर के थ्रू लेजर लाइट जो है वो वेन तक जो है वो पहुँचाते हैं, ठीक है, और उस लेज़र के थ्रू जो वहाँ पे वेल्व की वजह से जो क्लॉग्ड हुई होती हैं वेन्स एनलार्ज हुई होती हैं, उसको जो है वो हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। आपको पता है ना लेज़र थेरेपी, आपने लेज़र ट्रीटमेंट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोथेरेपी में, कि लेज़र लाइट के थ्रू भी जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लेज़र लाइट के थ्रू जो है वो वेरिकोज मेन में जो भी एनलार्जमेंट हुई होती है वेल्व्स के ब्लॉक होने की वजह से, उसको जो है वो हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेज़र ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज मेन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कार्डिक कैथेटराइजेशन। कार्डिक कैथेटराइजेशन बेटा क्या है, कार्डिक कैथेटराइजेशन में हमने कैथेटर पास करना है हार्ट तक, ठीक है, यानी कि हार्ट की एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए हमने कैथेटर को पास करना है, ठीक है, कोई भी ट्यूब को या कैथेटर को पास करना है। ये आपको नजर आ रहा है ना पिक्चर में, हम कैथेटर को जो है वो पास कर रहे हैं, क्या ये देखिए, आपने पेशेंट की ग्रोइन से हमने कैथेटर पास किया और ग्रोइन से वो कहाँ चला गया, हार्ट तक चला गया, ठीक है। यानी कि मकसद हमारा क्या था, कैथेटर को लेके जाना कहाँ तक, हार्ट तक लेके जाना है हमने उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने देखना है कि हार्ट में कोई मसला तो नहीं है, हार्ट के चैम्बर नॉर्मली काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट में जो है वो कोई आर्टरी तो नहीं ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है, उसका फ्लो जो है वो नॉर्मल जा रहा है। तो ये हार्ट की एग्जामिनेशन के लिए, और मैंने अभी आपको बताया था कि एट द सेम टाइम, जैसे कि हमने कैथेटर पास किया हुआ है ना, ठीक है, और एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है वो स्टंट भी पास कर सकते हैं, और हम जो है वो उसका जो है वो स्टंट प्लेस कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि जी हमने कैथेटर पास किया और हमें जो है वो टीवी पे इमेज पे नज़र आ रहा है कि भाई आर्टरी जो है ना क्रोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही है, ठीक है, हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक हो रही है, तो हम क्या करेंगे, साथ ही जो है वो हम वहाँ पे स्टंट प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने कैथेटर के साथ जो है वो डायग्नोसिस भी कर लिया और साथ साथ हमने क्या हुआ, पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे दिया, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हमें टाइम हमारा बचाती है, ठीक है ना, पेशेंट के लिए भी बेनिफिट है और जो सर्जन है या डॉक्टर है उसके लिए भी जो है वो बेनिफिट है, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगी है, मैं एक दफ़ा आपको फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ। रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग मैंने आपको पढ़ाया है, जिसे मैंने आपको बताया है रेडियोलॉजी ब्रांच है हमारे पास मेडिसिन की, वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस भी बनाते हैं और हम जो है वो क्या करते हैं, मेडिसिन जो है वो डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है, ये हम साइड्स ही खोल लेते हैं, ठीक है, डिजीज का ट्रीटमेंट भी करते हैं और हम डायग्नोसिस भी बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज या मोडेलिटीज की मदद से। वो कौन सी मोडेलिटीज हैं, एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। सेकंड, फिर मैंने आपको बताया हमारे पास दो इसकी ब्रांचेज हैं, डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशन, ठीक है जी। डायग्नोस्टिक वो है जिसमें डायग्नोसिस बनाना है, इंटरवेंशन वो है जिसमें ट्रीटमेंट करना है या पेशेंट को इंटरवेंशन देनी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि रेडिएशन क्या होती है, ठीक है, रेडिएशन क्या है, डिफरेंट होती है, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। हम रेडियोलॉजी में जो है वो दोनों तरह की रेडिएशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो रेडिएशन जो किसी भी मैटर से पास करें और उसके एटम के मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्या करें, आयनाइज कर दें, उनको हम कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है जी।
अब मैंने आपको फिर एग्जांपल दी थी, हमारे पास एक्सरे और गामा रेज जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, जी आप बताएं कि कौन सी मशीन्स ऐसी हैं रेडियोलॉजी में जो कि जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे एक्सरे और सीटी स्कैन है, ठीक है। वो कौन सी हैं जो गामा रेज यूज़ कर रही हैं, तो आप बताएंगे न्यूक्लियर मेडिकेशन एंड बोन स्कैन, ठीक है बच्चा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कोई भी मैटर या जो है वो ह्यूमन बींग जो है वो इरेडिएटेड हो जाता है या एक्सपोज हो जाता है, ठीक है ना। जब भी आपको किसी मैटर से या किसी जो है वो लेट सपोज अगर ह्यूमन बींग से हम कोई एक्सरे करवा रहे हैं तो क्या होगा, रेस पास करेगी और वो पेशेंट जो है या जो भी मैटर है वो क्या हो जाएगा, इरेडिएटेड या एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बाहर जाते हैं ना, सन ब्लॉक हम क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम यूवी रेज जो है उसके अंदर खुद को एक्सपोज कर रहे होते हैं। जब एक्सपोज कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सनब्लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायग्नोसिस बनाना है हमने, डिफरेंट डिजीज का डायग्नोसिस बनाना है, बॉडी में कहीं भी डिजीज है उसका हमने डायग्नोसिस बनाना है, और उसके लिए हमने जो है वो क्या करना है, डिफरेंट जो रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़ हैं वो इस्तेमाल करनी है। वो आपको सारा पता है कि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, एमआरआई है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, फिर इमेजेस के थ्रू जो है वो डायग्नोसिस बनाएंगे। फिर मैंने आपको बेटा बताया कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को हम डिफरेंट जो है वो सब ग्रुप्स में या सब टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। न्यूरो है, रेडियोलॉजी है, पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी है, ब्रेस्ट इमेजिंग है, कार्डियोवास्कुलर है, चेस्ट है, ये सारी क्या है जो है वो इसकी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के टाइप्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रटा लगाने की जरूरत नहीं है, आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सोचें, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चों से पूछते हैं जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस क्या हो सकती हैं, तो बच्चे आगे से बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। अब आप देखिए, आपको पता है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या है, गैस कहाँ से शुरू हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम आ रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, एक दफ़ा सोचें आपको खुद ही पता चल जाएगा। वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, अल्सर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे ही आपको डिजीजेज माइंड में आ गई, साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये डिजीजेज हैं, तो इसके लिए हम ये वाली रेडियोलॉजिकल टेक्निक जो है वो पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसने आपने इसको इस तरह याद कर लें। उसके बाद फिर बेटा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हमने पढ़ा, जिसे मैंने आपको बताया है कि हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या करते हैं कि रेडियोलॉजी में हम जो है वो रेडियोलॉजी की मदद से पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं और मिनिमली इन्वेसिव जो है वो पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसका क्या फ़ायदा है, एक तो मिनिमली इन्वेसिव होता है, पेशेंट का इंसीजन साइज छोटा होता है, ठीक है जी। जितना इंसीजन साइज छोटा होगा उतना उसकी रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। उतना ही जो है उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा, ठीक है। उतना ही जो है वो जो भी सर्जन होगा, डॉक्टर होगा, उसका टाइम भी जो है वो कम लगेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आजकल जो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है एनजियोग्राफी, ठीक है जी। ग्राफी यानी कि ग्राफ आएगा, इमेज आएगा, ठीक है। एनजियो यानी कि ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल के लिए जो हम इमेज ले रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, एनजियोग्राफी कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, मैंने आपको कहा था कि ये हमने किसी भी आर्टरी के लिए जो है वो उसकी एंजियोग्राफी करी है, और उसमें हमें नज़र आ जाएगा कि भाई आर्टरी के अंदर कोई जो है वो ब्लॉकेज तो नहीं है, आर्टरी जो है उसके अंदर कोई वो इनलार्ज तो नहीं हुई हुई, ठीक है, कोई मैलफॉर्मेशन तो नहीं है उसके अंदर, आर्टरी नैरो तो नहीं हुई हुई है। ये सारा हम जो है वो हमें कैमरे के ऊपर बड़े ईजीली नज़र आ जाता है, ठीक है। सेकेंड बेटा मैंने आपको बताया था बायोप्सी प्रोसीजर्स हैं, बायोप्सी प्रोसीजर जो है वो हम जो है वो उसमें जैसे कि आप देखेंगे कोई ब्रेस्ट का पेशेंट को जो है वो हमें लग रहा है कि कोई उसको जो है वहाँ पे कैंसरस टिश्यू डेवलप हो रहा है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, टिश्यू जो है उसको लेते हैं या उसके वहाँ से फ्लूइड की जो है वो एस्पायरेशन करते हैं और उसको फिर जो है उसको एग्जामिन कर लेते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा जी, फरियाल आफ्ताब ने हैंड रेज किया है जी, बच्चे बताएं। मैम जिस पे हम ऑब्टेन कर रहे हैं इमेज आफ्टर एंजियोग्राफी, उसको हम एंजियोग्राम बोलते हैं। जी जी, उसको एंजियोग्राम कहते हैं, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। एंजियोग्राम बेसिकली क्या है, आपका एक्सरे है, एक्सरे जैसे हम कहते हैं ना पेशेंट से कहते हैं जी एक्सरे आ गया, ये एक्सरे ही है, ये एक्सरे ही होता है। इसलिए क्योंकि हम वो ब्लड वेसल का कर रहे हैं इसलिए हम उसको एक्सरे फिल्म नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंजियोग्राम, ठीक है। थर्ड थिंग मेरा, फिर मैंने आपको बताई थी एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या है जी, अब एंजियोग्राफी, ग्राफी का क्या मतलब है कि हमने ब्लड वेसल का इमेज लेना है। एंजियोप्लास्टी, प्लास्टी का क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, वहाँ पे उसका कोई ट्रीटमेंट करना है उसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एंजियोप्लास्टी मैंने आपको कहा था कि ये पिक्चर आप देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने आपको शो की हुई है वो बैलून एंजियोप्लास्टी है, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आर्टरी के अंदर प्लैक आ जाए, कोई कोलेस्ट्रॉल आ जाए, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, एंजियोप्लास्टी के थ्रू एक ट्यूब
डालते हैं आर्टरी के अंदर, वो ट्यूब चली गई, उस ट्यूब के एंड पे एक बैलून अटैच होता है, ठीक है, जैसे ही वो ट्यूब हमें नजर आ रहा होता है ना कैमरे के ऊपर कि अब वो ट्यूब अंदर चली गई, जैसे वो ट्यूब चली जाती है हम फटाफट क्या करते हैं उस बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, ठीक है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना इस तरह से उसको इन्फ्लेट करते हैं, जैसे ही उसको इन्फ्लेट करेंगे क्या होगा, वो प्लैक जो है वो अपनी जगह से जो है वो हट जाएगा, जैसे ही वो प्लैक हट जाएगा क्या होगा, ब्लड फ्लो आर्टरी का नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारा मकसद क्या था एंजियोप्लास्टी का, रिस्टोर करना ब्लड वेसल को, सॉरी ब्लड वेसल के ब्लड फ्लो को, ठीक है। तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज एंजियोप्लास्टी, तो आप कहेंगे कि द प्रोसीजर विच इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द ब्लड फ्लो ऑफ एनी ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये पिक्चर्स बच्चे मैंने इसलिए डाली थी कि आपको बड़े आसानी से ये याद रह जाए और आपको रटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया कि ये भी स्टंट भी जो है वो एंजियोप्लास्टी की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें हम स्टंटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप जो है वो क्या करते हैं कि आर्टरी में अगर कोई ब्लॉक हुआ हुआ है तो आप क्या करते हैं स्टंट जो है वो ट्यूब के थ्रू जो है वो आर्टरी के अंदर डाल देते हैं, और उसे क्या होगा कि आर्टरी थ्रू आउट जो है वो क्या होगी खुली रह जाएगी, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है कि हम साथ साथ बैलून भी डाल देते हैं और बैलून के साथ स्टंट भी अटैच होता है, तो हम बैलून निकाल लेते हैं और स्टंट अंदर ही पड़ा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिकोज वेन्स का मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया पीछे, ठीक है, कि हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर एब्सेस ड्रेनेज मैंने आपको बताया कि इसी तरह से हम जो है वो एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और वो हमें सामने कैमरे पे नज़र आ रहा होता है, हम देख लेते हैं कहाँ पे जो है वो एब्सेस बना हुआ है, जहाँ पे एब्सेस बना हुआ है उसी भी ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, यानी कि सारा एब्सेस को है जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद कार्डिक कैथेटराइजेशन, अभी मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया था कि हमने कैथेटर जो है उसको इंसर्ट करना होता है टू हार्ट तक, ग्रोइन से भी इसको जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से हम आर्म से या एक्जिला के थ्रू भी जो है वो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? चलें, गुड, ठीक है बच्चे। फिर मैंने आपको बताया था मेडिकल इमेजिंग, मैंने आपको बड़ा आसान सा बता दिया, इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है जी मेडिकल इमेजिंग क्या है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि बच्चे ना ब्लैंक हो जाते हैं, मेडिकल इमेजिंग क्या है बिल्कुल ब्लैंक है, या गलत मलत जो है वो क्या करते हैं डेफिनेशन सुना देते हैं, ऐसे नहीं करना, रटा लगाई नहीं आप तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग क्या है, वो इमेजेस जो कि हमें मेडिसिन में ज़रूरत है डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। मैंने भी आपको बता दिया जी डिजीज़ हम कैसे मॉनिटर करते हैं, ऐसे मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट एक आया, आपने उसको कोई भी जो है वो एक्सरे एमआरआई रेफ़र किया था, फिर कुछ अरसे के बाद उसने मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट लिया, और फिर कुछ अरसे के बाद आपने क्या किया उसको दोबारा से जो है वो एक एक्सरे या जो भी आपने रेफर करना था कर दिया, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब पेशेंट का फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर कहते हैं जी हाँ जी एक्सरे करवा लें, एक्सरे कराया जी फ्रैक्चर आ गया, पेशेंट को क्या करते हैं जी प्लस्तर लगा देते हैं, ठीक है ना, पीओपी कास्ट लगा दी, पीओपी कास्ट लगा के चार हफ्ते जो है वो रेस्ट करने के लिए दे देंगे, चार या छः हफ्ते बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो कहते हैं जी आप एक एक्सरे दोबारा करवा के लाएं, वो दोबारा एक्सरे कराते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं वो उस डिजीज़ को उस कंडीशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो देखते हैं जी एक्सरे में पहले हेयरलाइन फ्रैक्चर था, अब क्या हुआ है अब कैलस बन गया, अब वहाँ पर जो है वो बोन जो है वो रिकवर कर गई है, ठीक है, हील कर गई है, वो कहते हैं जी अब इनका प्लस्तर आज उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे होते हैं मेडिकल इमेजिंग के थ्रू डिजीज़ को इस तरह से हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें हम डिफरेंट जो है वो रेडियोलॉजी की फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे एक्सरे आ गया है, एमआरआई आ गया है, न्यूक्लियर मेडिसिन भी इसमें आ जाती है, और साथ साथ इमेज गाइडेड इंटरवेंशन। इमेज गाइडेड इंटरवेंशन अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया है कि इमेज नज़र आ रहा होगा सामने आपको एलसीडी के ऊपर, कैमरे के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, और साथ साथ आप पेशेंट को एट द सेम टाइम इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी फ्लूड एब्सेस का मैंने आपको बताया कि फ्लूड देखेंगे हम, कैथेटर पास किया हुआ, ट्यूब पास की हुई है, उसे साथ साथ हमें कैमरे पे नजर आ रहा है जी लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई एब्सेस भरी हुई है, और साथ ही हम क्या करेंगे उस एब्सेस को जो है वो ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। तो इमेज गाइडेड इंटरवेंशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बताया है कि सोर्सेज क्या है हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन के, नेचुरल इन्वायरमेंटल सोल है, यूवी रेस ऑल द टाइम, यूवी ए बी हमारे पास जो है वो आती रहती हैं, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंटल अल्लाह ताला ने वो बनाई हुई है रेडिएशन, ठीक है। मैन मेड रेडिएशन क्या है उसमें, कि मैन मेड रेडिएशन ये हैं कि जो हम जैसे कि कीमोथेरेपी है या मजीद हम रेडिएशन को जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं, वो जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है मैन मेड रेडिएशन आ जाती है, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशन रिजल्ट इन एन एनुअल डोज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीसीवर्ट्स, ठीक है। मिलीसीवर्ट्स बेसिकली क्या है हमारे पास जो है वो रेडिएशन का जो है वो यूनिट, ठीक है। अगेन आपसे पूछा जा सकता है जी बेटा बताएं रेडिएशन का यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे जी मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन का यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है कि एनुअली डोज हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीसीवर्ट्स मिल जाती है, यानी कि हम जब नेचुरली जाते हैं जैसे कि कुछ एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप जो है वो है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देखें कि जो है वो जो समर है वो थोड़ी लंबी होती है ना, और हमारा अच्छा खासा जो है वो हमारा एक्सपोजर होता है धूप का, ठीक है।
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो सूरज जो है वो नहीं निकल रहा होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेचुरली अगर हम जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं तो जो रेज हमें मिल रही हैं अप्रॉक्सीमेटली एनुअली वो कितनी है, 3 मिलीसीवर्ट्स की हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि फिर हम क्या करें, इसको खुद को इससे जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है, व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी। स्पेशलिटीज क्या है, हमारे पास एक्सरे है, सीटी स्कैन है, मैमोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड एंजियोग्राफी है, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि जी व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ रेडियोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, दीज आर द टू ब्रांचेज ऑफ रेडियोलॉजी। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी, तो आप कहेंगे कि जनरल स्पेशलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी, तो आप कहेंगे जी एक्सरे, सीटी, मैमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये सारे जो है वो हमारी रेडियोलॉजी की जो है वो क्या है, स्पेशलिटीज है, ठीक है बेटा। सो ये जो है वो आपको अब आई थिंक काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने आपको डबल रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम थोड़ा सा स्पीड को कम रख लें, लेकिन बच्चे स्पीड ज़्यादा होने का सिर्फ मकसद ये है कि स्लॉट छोटा है और हमारे पास कोर्स आपको पता है आपके 3 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है, तो इसमें हमें जो है वो कंटेंट जो है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। मैं आपके साथ यहाँ पे आई थिंक हम इसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कल हम आगे से देख लेंगे कि जितनी भी मैंने आपको स्पेशलिटीज़ बताई है ना, एक्सरे ये इंशाल्लाह हम एक एक करके जो है वो फिर इन डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या इंडिकेशन है, किसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, क्या किस में जो है वो पेशेंट को रेफ़र करना होता है, ठीक है बेटा। इसको हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। उसके अलावा ठीक है, ये आपका 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है और इसमें मैं आपको असेसमेंट प्लान भी इंशाल्लाह विद इन सम डेज जो है वो शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है बच्चे, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक जो रेफरेंस बुक है वो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंशन की हुई है, ठीक है जी। रेडियोलॉजिकल साइंस फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, फिजिकल फिजिक्स बायोलॉजी एंड प्रोटेक्शन बाय स्टीवर्ट सी बशोंग, 10th एडिशन, ठीक है जी। अगर आपने पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे मेरी कोशिश ये है बेटा कि आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे बच्चे जो है वो स्लाइड 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 से पढ़ते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है वो स्लाइड्स के अंदर एटलीस्ट इतना मटीरियल जो है वो डाल दूँ कि अगर आप नहीं भी बुक को जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको जो है वो क्या हो, आइडिया हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम आपके पास नॉलेज जो है वो आ जाए, ठीक है। लेकिन आपने पढ़नी है तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ स्लाइड्स पे ही फोकस करना है तो आप स्लाइड पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं इंशाल्लाह आपको इतना कंसाइज्ड करके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डाटा पुट कर दूंगी कि आपको जो है वो फिर किसी और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चे। सो इसके अलावा बेटा आपको अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप जो वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, उसमें आप ज़रूर मुझसे मेल पे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सबको मेरी मेल आई होगी लेक्चर की, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, कोई बात नहीं समझ आ रही है, आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का आपको क्लास से रिलेटेड इशू है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी टाइम, ठीक है बेटा। परेशान नहीं होना किसी भी बात को लेकर, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी ज़रा मुझे पता है कि थोड़ा सा ना हमारे लिए टफ होता है। क्यों टफ होता है जी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बच्चे? इसलिए टफ होता है क्योंकि जो है वो हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं ना रेडियोलॉजी, और इस पर हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो इंट्रैक्शन नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रा ये मुश्किल लग रहा होता है कि भाई रेडियोलॉजी और ये जो है वो लेक्चर पता नहीं क्या होगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं होगा। आपका सेक्शन डीपीटी का है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों से स्टार्ट में पूछ लिया है कि किसी कोई बच्चा जो यहाँ पे जो है वो डीपीटी का नहीं है तो आप बेटा बेशक डॉक्टर मिस कुरत पढ़ा रही हैं उनके सेक्शन में एनरोल हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा आपने जो है वो फाइंडिंग्स देखनी है, फिजियोथेरेपिस्ट का एक अलग इंट्रैक्शन होता है रेडियोलॉजी के साथ, ठीक है, और रेडियोलॉजिस्ट जो है उसका एक अलग इंट्रैक्शन होता है रेडियोलॉजी के साथ, ठीक है बेटा। तो इसलिए इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे सब कुछ, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी, आज ही सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, और उसके अलावा बेटा कल अब आप लोगों ने पढ़ के ज़रूर आना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ के ज़रूर आएँ बेटा, ट्राई करें क्लास में भी आप लोग पूरे टाइम से आएँ। आपको पता है जूम पे जो है वो शो हो जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितने टाइम तक जो है वो क्लास ली हुई है, ठीक है बच्चे। देखिए बेटा इसमें आपका फ़ायदा है, टीचर का कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देनी, सब कुछ सेंड कर देना, कोई मुझे उसमें फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ आपका फ़ायदा है। तो आप अपना फ़ायदा ज़रूर करें बेटा, और हमारी तो कोशिश होती थी कि हम टीचर से जो है वो जितना नॉलेज ले सकते हैं लें, ठीक है बेटा। तो आप भी टीचर से जितना नॉलेज ले सकते हैं लें, और तब नॉलेज लेंगे तो फ़ायदा होगा जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, शुएब अली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मेल जी मैम, मैं आपने मेल की हुई है मैम क्लास लिंक की? मुझे नहीं मेल आई थी।
अच्छा बेटा, आप रजिस्टर कब हुए हो? मेरे पास एक्चुअली आज मैं देख रही थी स्टूडेंट एक्स्ट्रा आए हुए थे एलएमएस में, मतलब और ऐड हुए हुए थे, तो आपको नहीं आई है? शुएब अली हूँ, चलो मैं आपको ऐड कर लूँगी बच्चे। वैसे जी मैम, आप लोग ना मुझे भी नहीं आई। मैम मुझे अच्छा भी मेल नहीं आई। नहीं आई? अच्छा बेटा मेरी बात सुनिए, आप लोग एलएमएस पे देखे ना, एलएमएस पे लिंक है, एलएमएस से ज्वाइन कर लिया करें आप लोग, ठीक है ना? मैम वो एरर आ रहा है, मैम ये एक ही लिंक है। सॉरी मैम, वो एरर आ रहा था, आप कहीं ना मेल कर दिया करें। चले मैं आपको कर दूंगी बेटा। आपको मेरा आईडी पता है आप सबको, memuna.anwar@umt.thera। मैं आपको ना यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। जिन जिन बच्चों को मेल नहीं आई है ना, आपने क्या काम करना है बच्चे, आपने मुझे आज मेल करनी है, ठीक है? और आपने क्या करना है, आगे मेंशन करना है अपना सेक्शन, ठीक है? जैसे कि हमारा सेक्शन कौन सा, ई सेक्शन है, ठीक है? तो आपने मुझे अपना सेक्शन मेंशन कर देना है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ना लेबल में ऐड कर लूंगी। जी मैम, ठीक। ये मैंने आपको कर दिया, memuna.anwar@umt.edu.pk। वेट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है बच्चे, ये सबको आ गया। ये मेरा जीमेल आईडी है, इस पर आप लोग मुझे मेल कर दें जिस जिसको मेल नहीं आई, ठीक है? और अपना सेक्शन आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा सेक्शन भी है, तो वो फिर मर्ज ना हो जाए, ठीक है बच्चे? एवरीथिंग इज क्लियर? आपको क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, सब कुछ समझ आ गया? चले हैंड रेज करें। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे पहले कोई कोर्स पढ़ा हुआ हो? क्योंकि आप सब मुझे नेम्स तो मुझे न्यू लग रहे हैं। हैंड रेज करें। किसी स्टूडेंट है? नहीं पढ़ा हुआ? नो मैम। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा इंट्रेक्शन रहेगा हमारा, ठीक है बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। रमजान है, इबादत भी करें बेटा, लेकिन साथ साथ आपने पढ़ाई भी जरूर करनी है, ठीक है ना? पढ़ के आना है कल सब बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह, और इंशाल्लाह फिर मैंने आपसे सुनना भी है। मैंने आज इंस्ट्रक्शन दी थी जो कि आप पढ़ के आएंगे बच्चे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करेंगे, इस सब से आपको इंशाल्लाह सेशंस में वाइवा में फिर आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो जाहिर सी बात है फिर आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे? तो बच्चे जिनको नहीं आई मेल मुझे कर दें, और इंशाल्लाह मैं उनको ऐड कर लूँगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा अब सैटरडे को होगा, और फिर उसमें हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।